अगर आप किसी लो वोल्टेज एरिया में यानी कि ऐसी जगह रहते हैं जहां पे इनपुट लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है और आपने अपने घर में कोई नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लगा रखा है तो आपका इन्वर्टर आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकता है। लो वोल्टेज एरिया में रहने वाले लोगों की अक्सर यही कंप्लेन होती है कि घर में मेन सप्लाई होने के बाद भी उनका सोलर इन्वर्टर बैटरी चार्जिंग नहीं कर पाता और उनके घर का लोड मेन से ना चल के बैटरी से चलना शुरू हो जाता है जिससे बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नॉर्मली आपके घर में जो मेंस की सप्लाई अवेलेबल है उसमें इनपुट वोल्टेज की रेंज 220 या 230 वोल्ट की होती है, लेकिन लो वोल्टेज एरिया में इनपुट मेंस की वोल्टेज लगभग 140 वोल्ट या उससे नीचे रहती है। 140 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज के रेंज में एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर करीब 7 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता है, और अगर ये इनपुट वोल्टेज और भी कम होके 120 या 110 वोल्ट रह जाए तो एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लगभग 1 या 1.5 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता है। अगर आपने अपने घर में 120 या 150 एएच की बैटरी लगा रखी है तो उसको चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग करंट बहुत ही कम है। 110 वोल्ट से नीचे ये इन्वर्टर मेंस को सेंस करना बंद कर देता है और लोड बैटरी से चलाना शुरू कर देता है। सोकैम ने लो वोल्टेज एरिया में या रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा इन्वर्टर बनाया है जो 90 वोल्ट के कम इनपुट वोल्टेज को भी सेंस करता है और करीब 5 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता रहता है। इस चार्ट में हम नॉर्मल सोलर इन्वर्टर और ब्रेनी ईको के अलग अलग इनपुट वोल्टेज के रेंज को देखेंगे और दोनों के बैटरी चार्जिंग एम्पीयर में कितना बड़ा फर्क है ये जानेंगे। 140 वोल्ट पे एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर करीब 7 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता है, वहीं ब्रेनी ईको अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि 15 एम्पीयर है उससे बैटरी चार्जिंग करता है। 130 वोल्ट पे एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर की चार्जिंग लगभग 6 एम्पीयर रह जाती है, वहीं ब्रेनी ईको अभी भी करीब 14 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता है। 110 वोल्ट पे एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर की चार्जिंग घट के 1 या 1.5 एम्पीयर रह जाती है, वहीं ब्रेनी ईको 110 वोल्ट पे भी 12 एम्पीयर की चार्जिंग करंट के साथ एक 150 एएच की बैटरी को बड़ी आसानी से चार्ज कर सकता है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होता है एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर मेंस को सेंस करना बंद कर देता है, पर ब्रेनी ईको 90 वोल्ट के लो इनपुट वोल्टेज पे भी 4 एम्पीयर से बैटरी चार्जिंग करता है और 85 वोल्ट के बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज पे आने के बाद ही मेंस को सेंस करना बंद कर देता है और बैटरी डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है। इसलिए लो वोल्टेज एरिया में ब्रेनी ईको लगाना ही उनके प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन है।